दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग इनाव में आए हैं, तो आज इनाव पठार में कुछ दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। आज मेरा साथ इमानुएल भैया भी है। हाय, हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का ब्लॉग मजा लीजिए आप लोग। तो अभी हम लोग इनाव से आ ही रहे, साथ में और है दोस्त, और एक दोस्त है साहिल है, जाना है दोस्त। तो ये सारा मतलब पीछे आजू भी आजू बाजू में जो है ये धान का खेत है। तो मेरा दोस्त ये पार्सल लेने आया है, तो उसी के लिए आया है हम लोग। तो बहुत ही हुआ है ये हम लोग का देवजीत भाई, देवजीत दोस्त है। रुक रुक, वेट करो थोड़ा, हम धान का खेती दिखा रहे हैं ना। ये तो ये नाव पथार है पूरा सारा, ये पूरा धान ऐसा कुछ नहीं है। और ये धान का खेती तो हम आज करीब से दिखाएंगे आप लोगों को। ये लो, तो धान का खेती इस तरह से होता है। अभी तो पकनी पक ही गया है, अभी मतलब कुछ महीने के बाद इसको काटना पड़ता है। अभी काटा नहीं है इसको। रास्ता भी काफी खराब है यहाँ, तो चलो फिर भी ये अच्छा है वहाँ का रास्ता, से बलभद्र का रास्ता है अच्छा है, फिर भी चलने लायक है। तो दूसरा वाला भी रास्ता है डाली जा रही है उसे, तो वो वाला काफी खराब है। पता नहीं है यहाँ क्या,
हरियाली देखेंगे बस, पेड़ पौधा ये सब। और ये है दोस्तों यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का ब्रिज और टू का ब्रिज में